आज का विषय हमारा ये है कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी मुसीबत में हो या बहुत खुशी की बात हो, कोई भी सरकमस्टांसिस हो, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रहती है। उस कमी को पूरा करने के लिए व्हाट मोटिवेट्स अस, सो उस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए हमने कुछ तैयारी की है उसके बारे में। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम चाहकर भी खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, खुद को टूटता महसूस करते हैं, हर गलत चीज के लिए खुद को दोषी मानते हैं, और फिर हमारी जिंदगी में दस्तक देता है तनाव। ऐसे में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोत्साहन की, ऐसा प्रोत्साहन जो हौसला दे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जीवन में प्रोत्साहन का अपना अलग महत्व है, चाहे हम किसी भी पेशे से ताल्लुक रखते हों, उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों न हो, हम सबको कहीं ना कहीं प्रेरणा और सराहना की उम्मीद रहती है। एक शिक्षक की तारीफ से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वहीं अपने मैनेजर से मिली सराहना एम्प्लॉयज का मनोबल बढ़ाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन हमारी योग्यता और क्षमता को बढ़ाता है। सराहना के चंद लफ्ज किसी भी रिश्ते को खुशगवार बना सकते हैं। सो आपने देखा इस ऑडियो विजुअल में उसने कहा कि अगर कोई मुझे शाबाशी दे दे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, किसी को किसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता है। आप में से कौन है जो शेयर करना चाहेगा अपनी वीकनेस और व्हाट मोटिवेटेड यू? जब मैंने वीकनेस पे ओवरकम किया, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, वो वीकनेस नहीं मुझे मोटिवेट किया, मैं अपनी उस वीकनेस से ही मोटिवेट हुआ। यस सर, बेसिकली मेरा ये मानना है कि जैसे कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं कुछ करता रहता हूँ टेढ़ा मेढ़ा तो मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, तो मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होता। वेरी गुड। मेरी वीकनेस है कि जो एम्बिशन है वो एबिलिटी से बहुत ज्यादा होता है, और मोटिवेशन मैं अपने फादर से ड्रॉ करता हूँ, अपनी मदर से ड्रॉ करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल एकेडमिक करियर। वेरी गुड। तो मैं उल्टा ये कहता हूँ कि डू नॉट फिगर आउट बिग प्लान्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ। अगर आप पहले से ही इतने बड़े कोई प्लान बना लेते हैं और वो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ है, या तो उसके लिए आप अपने आप को बहुत तैयार करिए, या तो अपना आप पूरा समझिए कि एक ऑर्बिट है जिसमें हम सब रहते हैं, हमें पता है कि मेरा संसार इतना बड़ा है। अब जिस चीज़ को ऑर्बिट में हम रहते हैं उतना ही हमें पता है संसार में, इससे आगे हमें पता ही नहीं है। या तो वो समझिए कि मैंने लिमिटेशन अपनी खुद बना रखी है और उसको मैं तोड़ूं और उसको ऑर्बिट शिफ्ट करूं, अपना इतना बड़ा ऑर्बिट करूं, फिर आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब तक उतना करने के लिए आप अपना ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सत्संग करेंगे अच्छे लोगों के साथ, वो लोग समझाएंगे आपको हाउ टू ब्रेक योर बैरियर्स, हाउ टू ब्रेक योर बाउंड्रीज, तब तक मैं कहता हूँ कि डोंट मेक टू बिग ए प्लान। नहीं तो आपको मोटिवेशन तो होती है, मैं सोचता हूँ कि मैं सोमानी जी जैसा बन जाऊँ, मैं खेतान जी जैसा बन जाऊँ, लेकिन पहली छलांग में तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता ना जहाँ वो लोग पहुँच गए, जितना उन्होंने मेहनत की होगी, जितना कुछ किया होगा। एक पहला कदम लूँ, उसके बाद दूसरा लूँ, तीसरा लूँ, कहीं भी पहुँच जाएंगे आप। सो दिस इज़ व्हाट आई से दैट डोंट मेक बिग प्लान्स एट द फर्स्ट टाइम, बी स्लो एंड फोकस्ड। फोकस रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो आपको शायद बार की मोटिवेशन की आवश्यकता भी ना पड़े। तो आज बल्कि मेरे बीच में एक
इस प्रकार के मैं एग्जाम्पल लाया हूँ, आपको मैं मिलाना चाहूँगा। हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जिसका जन्म 1977 का हुआ है, आज 40 वर्ष का ये व्यक्ति है। इसका नाम है उत्तम कुमार। और देखिए विडम्बना कि जन्म से दोनों हाथ काम नहीं करते, दो में से एक पांव काम नहीं करता। अब उस आदमी को आज जो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट की श्रेणी में खड़ा हुआ है, जो कि देश में ही नहीं विदेशों में भी इंटरनेशनली भी एक्लेम्ड है, उस आदमी को क्या मोटिवेशन मिली होगी? उसकी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें हुई कि जब आदमी बच्चा स्कूल में तो चला गया, लेकिन स्कूल में कोई फ्रेंड साथ में बात नहीं करते, कोई खेलता नहीं है क्योंकि वो खेल नहीं सकता, बच्चे खेलने चले जाते हैं, ये अकेला बैठा रहता है क्लास में, क्या बीतती होगी उसके मन पर? और उसने उससे आगे क्या किया, आइए उससे जानते हैं। वेलकम उत्तम कुमार जी फ्रॉम जम्मू। तो अब देखिए इनका एक पैकेज हमने तैयार किया है। हुनर और हौसला हमेशा आपका साथ देता है। इनके हुनर के सामने आसमान भी सर झुका लेता है। जब ये रंगों के कैनवस पर खेलते हैं तो तस्वीरें मुस्कुराने लगती हैं। कुदरत ने भले ही इनसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन दुनिया को ये जो कुछ भी दे रहे हैं वो हर किसी के चेहरे पर खुशियां लाते हैं। जम्मू के उत्तम कुमार के दिलो दिमाग में जो तस्वीरें जन्म लेती हैं, उसे ये तोहफे के रूप में लोगों को खुशी खुशी दे देते हैं। दोनों हाथ और दाहिने पैर से दिव्यांग होने के बावजूद बेहतरीन पेंटिंग्स बनाना उत्तम कुमार के लिए बाएं पैर का खेल है। इंसान अपने शौक से और जिस काम को करते करते इंसान अनजाए कर पाए, मुझे लगता है वही अच्छा रहता है जीवन में काम करना। और अगर किसी काम को हम कर रहे हैं, वो काम हमारे दिमाग के ऊपर एक बोझ है, तो कभी हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लाइव पेंटिंग्स बनाकर अवार्ड जीते और हर बार हर पेंटिंग यही कहती है कि इनकी हर कोशिश सबसे उत्तम है। उत्तम मुझे बताइए, ये सब करने का मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला? मैं जब छोटी क्लासों में था, फर्स्ट सेकंड में था, तो स्कूल जाता था डेली, और मेरे साथ कोई भी बच्चा दोस्ती नहीं करता था क्योंकि मैं उनके साथ खेल नहीं सकता था। उनके साथ बाहर जाके घूमना, खेलना, कूदना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए कोई बच्चा मेरे साथ दोस्ती करना अच्छा नहीं समझता नहीं था। और मैं जब रिसेस हो जाती थी, बच्चे सारे बाहर चले जाते थे, तो मैं अंदर अकेला क्लासरूम में बैठा रहता था और मैं अपनी बुक्स को लेके उसके ऊपर लैंडस्केप्स कुछ वगैरह। पर पहली बार मन में क्या आया जब आपने उस बुक पर पांव चलाना शुरू किया, तो आपके मन में क्या आया कि यार मैं ये बच्चे जो मेरे साथ खेलते नहीं, मैं खेल नहीं पाता हूँ, मैं इनको कुछ करके दिखाऊँ, या क्या मन में आया? उस वक्त की सोच क्या थी आपकी? दूसरों के साथ रीस लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही। जो बच्चे मेरे साथ बोलना पसंद नहीं करते थे, मैं चाहता था कि वो मेरे पीछे चले, मैं उनके आगे चलूं। देखिए ये था इसका मोटिवेशन कि मैं बचपन से सोचता था कि रेस लगाऊं और जो लोग मेरे साथ नहीं चलना चाहते मैं उनके आगे चलूं। ये उनका अपना सेल्फ मोटिवेशन था। आपको किसी और ने मोटिवेट किया? हाँ, उसके बाद जब मैं थर्ड क्लास में आया तो मेरे टीचर ने मुझे बोला कि उत्तम बेटा कल हमारे स्कूल में ना एक अतिथि आ रहे हैं, स्कूल की इंस्पेक्शन है, तो आप कल उनके लिए ना एक अच्छा सा कार्ड बना के लाइए घर से, तो कल सुबह की जब मॉर्निंग असेंबली, ग्रीटिंग कार्ड बना के लाइए कल सुबह की जब मॉर्निंग असेंबली। तब तक आपके टीचर को पता लग चुका था कि आप में ये प्रतिभा है? हाँ, क्योंकि मैं अपने लड़कों को दोस्त बनाने के लिए या कुछ त्यौहार होता था टीचर को वो कार्ड बना के, ग्रीटिंग कार्ड बना के दिया करता था।
तो जब इंस्पेक्शन के लिए अतीत बाहर से आए थे, ऑफिसर्स आए थे, तो मुझे टीचर ने बोला आप बना के लाओ। मैंने बना घर से बना के लाया। मॉर्निंग असेंबली थी, मुझे बुलाया टीचर ने और मेरे हाथों उनको भेंट करवाया। तो फिर मेरे बारे में बताया कि ये हमारा स्टूडेंट जो है ये हाथ से लिख नहीं पाता है। उन्होंने बोला फिर ये बनाया कैसे इन्होंने? बोलते हैं इन्होंने पैर से बनाया। बोलते नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने लिख के बताओ बेटा। उसको यकीन नहीं हुआ कि ये पार से भी कोई इतनी बड़ी अच्छी पेंटिंग बना सके। मेरे क्लासरूम से, मेरे बैग से मेरी नोटबुक मंगवाई गई, वहाँ पे बैठा के मुझसे लिखवाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी जेब से निकाल के 100 रुपया इनाम दिया। वाह वाह। वहाँ से ये मेरा करियर, वहाँ से ये मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ है। तो उस 100 रुपये ने आपको पूरी तरह मोटिवेट कर दिया कि चलिए इसको आगे लगाते हैं। अच्छा, पूरी तरह मोटिवेट कर दिया। तो कुछ अभी एक आध लाइन स्केच कुछ बना के दिखा बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बना के दिखा सकता हूँ और बना के दिखाऊंगा। सर इससे पहले कि मैं स्केच स्टार्ट करूँ, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा ला के लेके आया हूँ। अरे बाबा, ओह वाह, ओह माय गॉड, इट्स अ सरप्राइज टू मी। वाह, आप बताइए भाइयों बहनों, ये इस चीज की क्या कीमत है, मैं क्या कीमत दे सकता हूँ बताइए? इट्स अ प्राइसलेस थिंग, दिस मोटिवेशन फॉर मी। आई एग्री विद यू। सर मैं आपकी बुक से मोटिवेट हुआ था। अरे बाबा, अच्छा। तो उस वक्त वो बुक के ऊपर आपका पोर्ट्रेट था। हाँ। आपका फोटो था। मैं ये बुक का पेज बनाया, फ्रंट पेज बनाया, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल। ये पेंटिंग तो कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, कोई इन्होंने सोचा है? और मेरा अपनी पर्सनल ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि हम दिव्यांग लोग जिनको अभी कैसी कैसी प्रॉब्लम आती हैं और समाज हमें कैसे हमारी परीक्षा लेता है, और दिव्यांग लोग जो बेबस हो जाते हैं, जिनको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते, और बाहर जाके उनको कोई उधार देना पसंद नहीं करता है, मैं उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मेरी आगे की प्लानिंग चल रही है, मैं उनको कैसे अपने पांव पे खड़ा होने के लिए प्रेरित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जब तक उत्तम कुमार ये बना रहे हैं तब तक हम चर्चा जारी रखें। तो मैं वापस आता हूँ कि व्हाट मोटिवेट्स अस, व्हाट हैपेंस, व्हाट डीमोटिवेट्स अस। किसी ने कहा कि आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या, व्हाट मोटिवेटेड यू टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, 17 रुपये लेके तुम निकले और आगे क्या आपके मन में आया और क्या था उस समय? तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, उस समय मेरा गोल जो मन में रखा था, बड़ा छोटा सा गोल रखा था, और वो ये था कि मुझे अपने फैमिली का, 71 की बात कर रहा हूँ जब मैं निकला वहाँ से, तो कि मुझे अपना परिवार का 4 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, वो उतारना है बस। इससे आगे कोई मेरी ज़िंदगी में गोल नहीं था, कोई कुछ ध्यान में नहीं, वो एक गोल था। वो जब गोल पूरा हो गया तो देन वी आई सेट अनदर गोल फॉर माई सेल्फ, जब वो पूरा हो गया तो अनदर गोल। सो ये इसलिए मैं ज़िंदगी में बार बार कहता हूँ, यूथ को खासकर कहता हूँ कि वन एट ए टाइम, एंड फिर बात आखिर में वहीं फिर आ जाती है जो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहेंगे तो कहीं तकलीफ किसी प्रकार की नहीं आएगी, और जब तक पहला गोल पूरा नहीं कर लें दूसरा मत करिए, तय नहीं करिए, दूसरा नहीं पूरा कर लें तब तक तीसरा मत करिए। तो वन एट ए टाइम रखेंगे, फोकस रहेंगे, कोई चीज़ सताएगी नहीं, फेल्योर का दर्द नहीं सताएगा, डर नहीं सताएगा, कुछ नहीं सताएगा। और साथ में एक चीज़ और ज़िंदगी में याद रखें, जब हम कोई भी काम सामाजिक नियमों के विपरीत, विरोध में, या अपने खुद के विश्वास के विरोध में करते हों, मेरी एक अपनी वैल्यू सिस्टम है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर समाज का एक अपना अपना वैल्यू सिस्टम रहता है, जब आप उसकी सीमा को लांघते हैं या उसको तोड़ते हैं तो आपको खुद को पता लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ,
और अगर जब आप उस सीमा को लांग के गलत रास्ते पर चलते हैं तब दैट नॉट ओनली मेक्स यू वीक फिजिकली बट इट मेक्स यू वीक मेंटली स्पिरिचुअली इन एवरी विच मैनर। और जहाँ वीकनेस हुई तब क्या कहेंगे, वी कमज़ोर आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ना खुद का भला कर सकता है ना किसी और का भला कर सकता है। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, तो उसके लिए ये कहा कि भाई जो आपके अपने वैल्यू सिस्टम्स हैं उन पे चलिए, उनका उल्लंघन मत करिए। तो फिर भी मोटिवेशन की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी। सो व्हाट इज़ मोटिव? मोटिव का डिक्शनरी मीनिंग तो शायद सबको पता होगा, कोई बात बताना चाहेंगे आप? सर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल, रीजन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। यही है मोटिव। एंड देन सेकेंड पार्ट विच इज एशन मोटिवेशन, दैट इज एक्शन, आवर डिजायर, आवर नीड्स, वट वी वॉन्ट टू डू, वट इज आवर एम इन लाइफ, और उसको पूरा करने के लिए देन यू टेक एन एक्शन। ये दोनों का मोटिव प्लस एक्शन मीन्स मोटिवेशन। सो दैट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ इट। कई बार अपने लिए बड़ा हाई गोल रख लेते हैं सामने कि मैं ये वीक में ये करूँगी, अगले महीने ये करूँगी, उसके बाद ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे, और किसी न किसी कारण से जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर क्या हालत होती है? अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, कुछ और होगी। उस समय में आपको फिर कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए टू कम बैक। तब आप ढूंढते हैं, किसी न किसी की किताब पढ़ेंगे, किसी की बात सुनेंगे, कहीं किसी दोस्त से बात करेंगे कि भैया मेरे को ये समस्या है, कहीं कोई ज़्यादा तकलीफ़ में हुआ तो साइकेट्रिस्ट के पास भी चला जाएगा, पंडित के पास तो खैर खास करके, तो वो जाके फिर वो मोटिवेशन लेंगे, उसके बाद फिर लग जाएंगे काम में, चलो फिर वापस लगो। तो ये इसलिए कहा कि अपने आगे देखते रहिए, अपना जितना तक आपको लगता है कि यहाँ तक मैं आराम से पहुँच सकता हूँ वैसा करते रहेंगे तो शायद डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार एक उदाहरण गलत है वैसे, जब चोर के पीछे पुलिस भागती है, पुलिस वाला भाग रहा होता है, चोर के पाँव में भी दर्द है, हाँफ रहा है, लेकिन फिर भी भागता है क्योंकि उसका मोटिवेशन है, उसका मोटिवेशन है कि अगर पकड़ा गया तो जेल में चला जाऊंगा, 15 दिन रहा, महीना रहा, 2 महीना रहा, तो तब तक फैमिली को कौन पालेगा ना, उसके परिवार को पालना उसका मोटिवेशन है। द बिगेस्ट क्वेश्चन बदर मी इज व्हाई विथ मी, मेरे साथ क्यों होता है, एंड हाउ टू गेट मोटिवेटेड अगेन। जब कोई इंसान के साथ, क्या हम सबके साथ, हम सबके एक फितरत है, जब कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तब हम क्या कहते हैं, देखा मैंने मार दिया ना, तीर मार दिया, मैंने ये सब कर दिया, कितना सक्सेसफुल हूँ मैं, कितना महान हूँ, कोई आके शाबाशी दे। और जब गलत होता है तो कहते वाई मी, ये मेरे साथ क्यों होता है। ये केवल जो वाई मी का प्रश्न है उसका जवाब सिंपल एक ही है कि आप सच्चाई को स्वीकार करिए। सच्चाई को स्वीकार करेंगे तो वो क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। देखिए, इन्होंने टेबल के ऊपर एक फ्लावर बास बनाया है, उसमें फ्लावर भी डाला, उत्तम बहुत अच्छा किया। अब आपके कोई सवाल उत्तम से? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पेंटिंग तो कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं या कर सकते हैं, कोई इन्होंने सोचा है? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैं अभी तक तो पेंटिंग एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट था, और मैं और मेरा अपनी पर्सनल ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि हम दिव्यांग लोग, जिनको अभी हैंडीकैप पे बोलते थे, पहले अभी दिव्यांग बोल दिया गया है, हमारे साथ कौन कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और समाज हमें कैसे हमारी परीक्षा लेता है, और दिव्यांग लोग जो बेबस हो जाते, जिनको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं करते, और बाहर जाके उनको कोई उधार देना पसंद नहीं करता है, मैं उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए
मेरी आगे की प्लानिंग चल रही है कि मैं उनको कैसे अपने पांव पे खड़ा होने के लिए प्रेरित करता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उत्तम जी, मैं कहता हूं जी मीडिया की तरफ से अगर उसमें कुछ भी सहायता चाहिए तो हमें याद करिएगा, जी मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपको इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जब ये इंटरनेशनल फाउंडेशन ने 2016 में आपको सम्मानित किया, जी जी, तब आपको क्या लगा, कैसा महसूस हुआ उसमें? नहीं, उसमें जब मुझे जो आपके मन में अभी कड़वापन है कि समाज साथ नहीं देता डिसेबल्ड आदमियों का, उसके प्रति कुछ मन में भावना जागी, कुछ प्यार जागा, कुछ हुआ? हाँ, प्यार जागा। जब उस एक एग्जीबिशन चल रही थी चेन्नई में हमारी, उस वक्त मुझे वहाँ पे जम्मू से इनवाइट किया गया, मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे जौहरी आए हुए थे, तो उन्होंने सारा कुछ देखा, बहुत सारे और भी लोग आर्टिस्ट भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप तो एक डिसेबल्ड थे, दिव्यांग थे, आप तो आर्टिस्ट बन गए, लेकिन आपके साथ और भी तो बच्चे इंडिया में हैं जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनको समाज, उनको वो कहीं पे अगर वो बैंक में लोन लेने जाता तो बैंक वो कर देता, मना कर देता, नहीं भैया आप दिव्यांग हो, आप हमारा लोन वापस कैसे दोगे, हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, उनको अपने पैरों पे अपना काम करना सिखाना, ना कि उनको लेके कटोरा लेके या नौकरी लेके किसी के पास नौकरी मांगने जाए जाए, वो नहीं, वो किसी दूसरे को नौकरी दे अपने पास, मैं ये चाहता। So I would say that we all bow to you and your attitude, must not quit, is his attitude. I would like to just give you a small trophy of such. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. मैं कभी टॉप पॉप नहीं करता था क्लास में, हमेशा मेरे दोस्त मुझे फिसड्डी कहते थे। अरे वाह, और हम बहुत हैं यहाँ, कोई चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। फिर पापा ने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना मतलब एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। मैं पढ़ने में ठीक नहीं था, एक कोचिंग सेंटर था, पहली बार मैं किसी कोचिंग में गया तो एक जो वहाँ की टॉपर लड़की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वाह, सुबह एक कॉल मुझे आया आज एक बिजनेसमैन के यंग लड़के का, 27 साल 26 साल का, तो मुझे कहता है कि चाचा जी कि हमारी एक दुकान थी मुंबई में बांद्रा में, वो आज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वालों ने तोड़ दी। बोला चाचा जी टूट गया हूँ, ज़िंदगी में टूट गया और फूट फूट के रो रहा है। ये आज सुबह का किस्सा, तो मुझे क्योंकि ये बात ध्यान में आ रही थी तो मैंने उसको फ़ोन करके कहा यार तू 27 साल का आदमी है, अभी से अगर तुम टूट गए तो आगे ज़िंदगी पता नहीं कितनी लंबी है, ऐसे टूटोगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये मैं सबसे कहता हूँ, मेरे दर्शकों से जो घर बैठे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को भी कहूँगा कि मस्ट नॉट क्विट, दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। लाइफ जो है हमारी बहुत बार सरप्राइज ही देती है, जो मैं पहले भी कह चुका, जब पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो हम उसको ओन कर लेते हैं, जब नेगेटिव सरप्राइज आता है तो उसको हम डिसओन करते हैं कि वाई मी। और मैं ये कहूँगा आपको बिफोर आई गेट माई नेक्स्ट गेस्ट ऑन द शो, एक मोटिवेशन होता है इनसाइड आउट, एक मोटिवेशन है आउटसाइड इन। इस पे थोड़ी देर सोचते रहिए, 5-7 मिनट मैं आपसे सवाल इस विषय में पूछूंगा। उससे पहले मैं एक हमारे बीच में है एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी। कौशलकांत मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक बड़े छोटे से गांव में 11वीं क्लास तक पास किया, गांव में पढ़े, तब तक पढ़ाई में बड़ा मीडियोकर थे। इनके एक सगे चाचा को कुछ तकलीफ़ हुई जिसकी वजह से उनको सर्जरी करानी पड़ी, तो इनके फादर ने इनको मोटिवेट किया कि यू बिकम ए डॉक्टर। अब देखिए आज वो मोटिवेशन इनको कहाँ से कहाँ लेके आया, आज वो क्या कर रहे हैं। प्लीज़ वेलकम कौशलकांत मिश्रा।
क्या उस मोटिवेशन है जो आपके फादर ने आपको दिया, 11वीं क्लास में पढ़ते थे आप, 10वीं में पढ़ते थे, तब क्या आपके मन में आया उस समय में? मैं कभी टॉप वॉप नहीं करता था क्लास में, हमेशा मेरे दोस्त मुझे फिसड्डी कहते थे। अरे वाह, और हम बहुत हैं यहाँ, कोई चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। फिर पापा ने कहा कि डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनना मतलब एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। मैं पढ़ने में ठीक नहीं था, एक कोचिंग सेंटर था, पाठक जी थे हमारे, अब नहीं रहे, उनके यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते थे। जब मैं पहली बार गया तो मैं नॉर्मल लड़का था, तो लड़कों के स्कूल में पढ़ता था। पहली बार मैं किसी कोचिंग में गया तो एक जो वहाँ की टॉपर लड़की थी वो मुझे बहुत अच्छी लग गई। वाह, तो ये था रियल मोटिवेशन। तो रियल मोटिवेशन जो था, ये देखिए, वो टॉपर लड़की थी, पापा ने रास्ता दिखाया था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो पापा का मोटिवेशन कम था और लड़की का मोटिवेशन ज्यादा रहा। अगर मैं कहूं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो उस लड़की का मोटिवेशन ज्यादा था। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट होता है CPMT का, वो दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन BDS में हुआ। और UP में मेडिकल कॉलेज लखनऊ में ही केवल BDS है, और जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो टॉपर थी, और वो KGMC में पहुंची और वो वहाँ MBBS कर रही थी। तो जिस दिन पहली बार मैं क्लास में घुसा और मैंने देखा वो लड़की पहले से बैठी हुई है, मैं उस क्लास से वापस आ गया और मैंने कहा मैं दोबारा तब आऊँगा जब मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगा, टॉप करूँगा। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं CPMT में सेकेंड रैंक लाया, और मैंने फिर KGMC नहीं लिया, मैंने अपना कानपुर का मेडिकल कॉलेज लिया और उसमें ज्वाइन किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, आप बड़े ईमानदार से आपने अपना सही मोटिवेशन बताया। सही था वही बताया। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपने उसके बाद ये डॉक्टर बने, सक्सेसफुल आप सर्जन हो, आज प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में आप सर्जरी करते हो जी। पर फिर आपको व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दिस यूथ फॉर इक्वालिटी, जो कि आज भी चला रहे हैं आप? जी, मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट दैट? मैं MS करने के बाद सीनियर रेजिडेंसी एंड फेलोशिप एम्स में ज्वाइन की थी, बड़ी प्रेस्टिजियस सी फेलोशिप थी डॉक्टर भान के अंडर, और वहाँ पे मैंने सीनियर रेजिडेंसी ज्वाइन की। लेकिन उसी समय एक लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए कि आपको से नो टू इनजस्टिस, जिसको भी आप इनजस्टिस समझते हैं। तो उस समय हायर एजुकेशन में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाया गया था, जिसको लिए उस समय मैं रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता था, तो मैंने उसके अगेंस्ट फाइट किया। ये जब VP सिंह की सरकार थी, VP सिंह सर की जब सरकार थी, by the way, मैं आपको बताऊं, जब VP सिंह ने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया, तभी मैंने अपना सरनेम गोयनका था वो हटा दिया था, तभी से सुभाष चंद्र केवल लिखता हूँ अपने आप को जी। तो आज तक मुझे रिजर्वेशन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और एक्चुअली रिजर्वेशन से प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करते हैं उसमें अदर देन दिस? और भी कुछ काम करते हैं इसमें यूथ फॉर इक्वालिटी में? शारंडा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, झारखंड में जंगल हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे हमने यूथ फॉर इक्वालिटी क्लिनिक खोला हुआ है, और वहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पे रहते हैं, और आजकल जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक हो गया, उसकी कॉलिंग से मैं यहाँ से उनके मरीजों, वहाँ के मरीजों को देखता हूँ। एक तो ये काम करते हैं, दूसरे जो अभी आपने मोदी जी का कॉन्सेप्ट सुना है कि आइडियल विलेज, मतलब विलेज अडॉप्ट करो, ये अभी 2014 में मोदी जी ने शुरू किया है। झारखंड तो मोटिवेट्स नहीं, मोदी जी, यस ऑब्वियसली मोदी जी मोटिवेट्स मी। अगर आज की डेट में कोई एक आदमी मुझे मोटिवेट करता है तो मोदी जी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अपने आप को पहचान लें कि हम प्रमोशनल हैं या प्रिवेंटिव हैं, तो आपको अपनी सीमाओं का पता लगेगा, अपने आप का पता लगेगा, उसके अनुसार आप अपना व्यवहार करेंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप कौशल कांत मिश्रा जी से प्रश्न। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि मोटिवेशन के थ्रू ही आपने इनिशिएटिव लिया, वेंचर खोले अपने, लेकिन हर मोटिवेशन के जो पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है, सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? कभी भी किसी हाई ऑब्जेक्ट को अपने, मतलब जिसको कहते हैं जो हाई एम होता है, उसको बिना सेंटिमेंटल इमोशनली हुए आप अचीव ही नहीं कर सकते।
केवल एक टारगेट सेट करना, जब तक एक पागलपन की हद तक आपको चाहत नहीं होगी आपके एम की, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। कौशल कांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू अवर शो एंड कीप डूइंग योर गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, तो अभी मेरा क्वेश्चन वापस, मैंने कहा कि एक आदमी के अंदर से बाहर की ओर मोटिवेशन होता है, एक बाहर से अंदर होता है। अगर उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना हो तो मैं बताऊंगा आपको कि ए थिंग विच मोटिवेट्स अस फ्रॉम इनसाइड, व्हाट इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग? Anybody wants to say? On ethics and philosophy. I think it is the passion. If you have that passion that's inside and it is self-motivating, it keeps motivating. You don't need the outside motivation. Inner happiness. Chaliye. We have a great example. One is a, you know, inspiration came from inside. Uttam's case. And in case of a doctor, it came from outside, you know. So that's what they started their journey, you know. Right. Very good. Resilience to bounce back from every failure. Very good. तो कई बार क्या होता है कि inside out जो है हमको पता होता है कि हम क्या चीज़ sustain कर सकते हैं, उतना motivation हमारा रहेगा। तो मैं ये कहूँगा normal आम आदमी की भाषा में कि what is sustainable, that motivation comes from inside out. बहुत बार हम बाहर की चमक धमक देखते हैं, किसी को देखते हैं, अरे यार ये आदमी तो बड़ा आगे बढ़ गया, चाहे खेल में बढ़ गया, चाहे किसी सर्विस में बढ़ गया, चाहे पैसे से बढ़ गया, बिजनेस में बढ़ गया, हम कई बार उसको देख के अपने सपने बनाने लगते हैं। तो अनसस्टेनेबल चीज़ जो है वो बाहर से अंदर आती है। सो ये बात मुझे जो समझ में आई आपसे बताया, मैं ये नहीं कहूँगा कि वट इज़ राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग इज़ वट यू बिलीव इज़ राइट, वट यू बिलीव वुड बी रॉन्ग। सो प्लीज़ ऑलवेज माइंड दैट। और एक बात और कह के मैं शो को यहाँ आज विराम दूंगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन लाइफ हु गेट्स मोटिवेटेड, और रादर यू कैन से अनदर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन वी हैव, व्हिच इज दैट वन इज प्रमोशनल एंड अनदर वन इज प्रिवेंशन। दो तरह के लोग हम सब में, यहाँ भी अगर बैठे हुए अगर जितने लोग बैठे हैं, अगर हम अपने आप को अंदर से देखेंगे, पहचानेंगे, अपने नेचर को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि मैं प्रमोशनल व्यक्तियों में से हूँ या प्रिवेंटिव लोगों में से हूँ। जो प्रमोशनल आदमी होता है वो क्या कहता है, कोई बात नहीं, नथिंग इज़ अनरीचेबल टू मी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, और वो छलांगे लगाता है, उसमें गलती भी करता है। प्रमोशनल आदमी गलती भी करेगा, और जो प्रिवेंटिव है आदमी वो हमेशा एनालिटिकल होगा, सोचेगा कि जो मेरे पास है वो तो नहीं चला जाएगा, सबसे पहले तो वो सोचेगा। सो दे आर मोस्टली, यू विल फाइंड देम दैट दे आर मोर स्टेटस को पीपल, जो समझते हैं कि जो कुछ है मेरे पास मैं उसमें खुश हूँ, वो चला रहे, वो रहे, इससे आगे नहीं जाए, आगे ना भी बढ़ूं तो कोई बात नहीं। तो मैं ये कहूँगा आज दोस्तों, अगर मोटिवेशन को सम अप करें, अगर अपने आप को पहचान लें कि हम प्रमोशनल हैं या प्रिवेंटिव हैं, तो आपको अपनी सीमाओं का पता लगेगा, अपने आप का पता लगेगा, उसके अनुसार आप अपना व्यवहार करेंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड लिव इन द प्रेजेंट इज़ माई मैसेज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। सुभाषचंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी scshow@subhashchandra.com वर मेल करा किंवा SMS करा scshow स्पेस द्या, आपला प्रश्न लिहा आणि पाठवा 57575 वर। श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।